हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें चैनल को। तो आज हम जाने वाले हैं जोधपुर में घंटाघर, तो आप जानते होंगे जिसको क्लॉक टावर भी बोलते हैं। तो हम जाने वाले हैं वहाँ पे, तो उसको उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे और साथ ही उसका आपको दृश्य पूरा दिखाएंगे, ठीक है? तो चलते हैं। दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं घंटाघर के बाजार में, यानी घंटाघर मेन गेट से जो रास्ता जाता है वहां पे। तो चलते हैं मेन गेट पे। तो दोस्तों, मैं मेन गेट पे आ चुका हूं और देख सकते हो आप यहां की भीड़ और यहां के लोग और यहां की दुकानें। और इसको बोलते हैं सरदार मार्केट, सरदार बाजार ये भी बोल सकते हैं। और इसके अंदर है जो है टावर, क्लॉक टावर। चलते हैं। तो गाइस, फाइनली मैं अंदर आ चुका हूँ और अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया मैंने। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि देखते हैं इधर की दुकानें और इधर का पत्थर की जो सड़क बनी है देखने लायक है। और ये जो है घंटाघर, ये भी लाल पत्थरों से बनाया है। और अब मैं धीरे धीरे इसके अंदर जाने की सोच रहा हूँ। और मेरे को लगता है इधर टिकट लेना पड़ता है शायद इसको देखने के लिए। इसके अंदर भी एक वॉच लगी हुई है जो मैं आपको ऊपर जाके बताऊंगा पूरी तरह से। और देख सकते हो आप बाज़ार, और इधर देखिए कि भीड़ जो है वो धीरे धीरे अब बढ़ रही है, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है ना, तो मॉर्निंग में थोड़ी भीड़ कम होती है। और बनावट तो देखिए, लाल पत्थर की बनावट, जो जोधपुरी पत्थर है ये। चलिए चलते हैं। दोस्तों, एक प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ। प्रॉब्लम ये थी कि मैं अंदर तो घुस गया, लेकिन मेरे पास थे 100 के नोट जो खुले नहीं थे, मतलब कि समझ सकते हो। इधर चिल्लर चाहिए थे मेरे को 25, तो मेरे पास थे नहीं, तो मैं एक दुकान से उसको चिल्लर में कन्वर्ट किया 100 को। तो चलते हैं, पैसे देते हैं और आपको दिखाते हैं थर्ड फ्लोर पे मंजिल पे एक जो वॉच बनी है उसकी बनावट और उसकी मशीनगिरी क्या है, देखते हैं। तो वैसे आपको बता दूँ कि जो बाहर के विदेशी लोग आते हैं उनके लिए तो यहाँ पे 100 रुपये टिकट है, और हमारे लिए जो इंडियन हैं उनके लिए तो इधर 25 रुपये टिकट है। चलते हैं हम। तो गाइस, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है और अपन जा रहे हैं ऊपर। ये गाइस ऊपर का नज़ारा है, ठीक है? ये फर्स्ट फ्लोर पे मैं आ गया हूँ और आप देख सकते हो ये पीछे जो है ये मेहरानगढ़ फोर्ट है, ठीक है? इससे भी एक व्लॉग बनाएंगे वो नेक्स्ट। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो यहाँ घंटाघर का बाजार है, ठीक है? और इसकी आकृति लोग आप लोग देख सकते हो। तो गाइस, अपन आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर, ठीक है? तो ये नेक्स्ट, ये जो है ऊपर जाने का रास्ता जो सेकंड मंजिल पे जाता है, तो इसके ऊपर अब जाने वाले हैं। अंधेरा दिखता होगा लेकिन आपको दिखाएंगे कि थर्ड फ्लोर पे जो घड़ी का पूरा मशीन लगी हुई है वो थर्ड फ्लोर पर लगी हुई है। तो चलते हैं अब। तो तीसरी मंजिल पे ये मशीन लगाई गई है जिससे घंटाघर की जो घड़ी है जो टाइम बताती है, तो अभी भी समय अनुसार एकदम परफेक्ट चल रही है, आप लोग देख सकते हैं। और ये ऐसे चलती है, देखिए आप ये मशीन का नज़ारा। तो गाइस फाइनली, तो आपको मैंने वॉच जो चलती है ऊपर मशीन लगी हुई है ना, उसको तो मैं उसके बारे में तो आपको बता चुका हूँ।
चलते हैं नीचे और रसीप कटी थी 25 रुपये की। इसके ऊपर जाने का जो प्राइस है मशीन को देखने का वो 25 रुपये, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि इसको बनाई थी सरदार सिंह ने, ठीक है। राजा सरदार सिंह 1910 में इस बाज़ार का जो है ना निर्माण करवाया था, और ये माना जाता है कि 1911 में ना इस घड़ी की स्थापना की थी, मतलब ये घड़ी लगवाई थी लंदन से कोई कंपनी थी, उन्होंने लगाई थी, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया कि इनको बनवाने के लिए 3 लाख रुपये दिए थे, मतलब 2 लाख तो घड़ी के लगे थे, 1 लाख और 1 लाख लगे थे इसको लगवाने के लिए, ठीक है, जो लंदन की कंपनी ने लगाई थी। और नेक्स्ट कि 1 लाख इन्होंने इसलिए दिया कि ऐसी घड़ी दूसरी और नहीं बनाई जाए, तो मतलब पूरी वर्ल्ड में यानी बात करें ना तो दो घड़ी है, एक तो इधर है जो जोधपुर घंटाघर में, एक लंदन या क्लॉक टावर में, ठीक है, ये दो ही वॉच लगी है। तो मैंने पूरा आपको व्यू दिखाया हूँ घंटाघर का मेरे जितना हो सके। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेके आएंगे नए ब्लॉग के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें।